प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रोहतक में किसानों द्वारा रेल रोको आंदोलन चलाया गया और आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी के आह्वान पर ये आंदोलन किया गया था और किसानों ने रेल रोको आंदोलन के चलते ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है, जहाँ किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी के आह्वान पर ये आंदोलन किया गया था और किसानों ने रेल रोको आंदोलन के चलते ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रोहतक रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। रेलवे स्टेशनों पर लाहली, खरावड़, माइला में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इन रेलवे स्टेशनों पर सैकड़ों की संख्या में किसान जो है वो रेल पटरी पर बैठे और रेल पटरी पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है। वहीं इस दौरान किसानों का क्या कुछ कहना था, सुनिए। देखो सर, हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश था 18 तारीख को 12 बजे से 4 बजे तक ट्रेन रोकनी है, तो हमने अपने 12 बजे आ गए। हम रेलवे ट्रैक के ऊपर आकर बैठ गए। हम शांति प्रिय तरीके से अपनी ट्रेन रोक के बैठे रहेंगे यहाँ पर। 4 बजे हम उठ के अपने घर से ले जाएंगे। किसी भी ट्रेन में या जो भी हमारे आंदोलनकारी है, किसी आदमी को हम बुखार से साया नहीं रहने देंगे। हम अपने वॉलंटियर छोड़ रखे हर एक जगह पे, जहाँ जहाँ ट्रेन रोकी जा रही है, खाने का प्रबंध कर रखा, पानी का प्रबंध कर रखा, चाय का प्रबंध कर रखा। वॉलंटियर भाई जो हमारे ट्रेन के अंदर का घूम गए, सबको चाय की पूछ सके, खाने की पूछ सके, कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई परेशान नहीं होना चाहिए। तो 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है अभी रोहतक के, अगर आसपास की बात करें तो कहाँ कहाँ ट्रेन नहीं रोक रखी है? देखो रोहतक के आसपास समाल में हमने रोक रखी है, क्योंकि मैंने भी तो हमने समाल बनाया था, तो इसमें महिला में छोड़ते काम आ गए, बोर से भी आ गई लेडीज, हरिद्र की अपने कलावड़ से आ गई, गांधरा से आ गई, समाल के हमारी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रेमलता वो यहाँ से भी लेडीज लिया, जेंट्स भी आ गए, सभी आ गए। हम समाल में यहाँ ट्रैक के ऊपर बैठ गए, तो हम यहाँ अपने शांति प्रिय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। तो रागड़ियाँ भी यहाँ पर हो रही हैं? रागड़ियाँ भी हो रही हैं और ये सत्संग भी करवा रखा है। सत्संग इसलिए करवा रखा है अगर भगवान इस सरकार को शुद्ध बुद्धि दे दे और ये काले कानून वापिस ले ले, क्योंकि ये देश बर्बाद होने से बच जाएगी। तो ये कब तक रहेगा? देखो 12 बजे के बाद 2 ट्रेन आई है, एक तो इंटरसिटी थी वो भी निकलवा दी और दूसरी ट्रेन आई थी वो भी निकलवा दी, एक मालगाड़ी वो भी निकल गई। हमने कोई ट्रेन नहीं रुकने दी, वो मान गए, साइड में ही बैठे थे, लाइन पर नहीं थे, पटरी पर नहीं थे, और ट्रेन आराम से सुचारू रूप से चली गई, कोई बाधा नहीं हुई ट्रेन में, और अब भी कोई आएगी तो निकलवा देंगे ट्रेन को। तो किसान कह रहे हैं कि हम 4 बजे तक रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे और ट्रेन को अब हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन तो निकलवानी पड़ेगी, निकलवाएंगे हम ट्रेन, तो पहले निकलवाई और निकलवाएंगे ट्रेन आएगी तो। अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप लोग तो हम तैयार हैं, रेडी हैं कानून व्यवस्था के लिए बनाने के लिए, हम ट्रेन नहीं रुकने देंगे, हमारी पूरी फोर्स तैयार है, ट्रेन निकलवाएंगे। तो कितनी फोर्स लगाई गई है? 60-70 आदमी है मेरे पास, और फोर्स है बैठी है, स्टैंड टू फोर्स, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल पूरी पुलिस रेडी है।